और मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लगातार सियासी उठापटक देखा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि महाराष्ट्र में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। जी हाँ, महाराष्ट्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने प्रस्ताव रख दिया। शिंदे गुट ने जो प्रस्ताव बीजेपी के सामने रखा है वो हम अपने दर्शकों को जरूर बताते हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि 20 में से 15 से 17 जो विधायक है उनको मंत्री पद की जगह दी जानी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने अभी कंफर्मेशन इस पर नहीं लगाई है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने अभी कुछ समय पहले शिंदे सरकार में बीजेपी के ज्यादा विधायकों को जगह दी थी। उसके बाद शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी देखी जा रही थी कि उन्हें क्यों नहीं जगह दी। अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है उसमें शिंदे गुट ने यह रखा है कि 15 से 17 को तो कम से कम जगह मिलनी चाहिए। हालांकि बैठक का दौर जारी है, चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी को अपने भी विधायकों को देखना है। और अगर 15 से 17 में कम बात बनती है तो क्या शिंदे गुट के ये विधायक बीजेपी से अलग हो सकते हैं? महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कोशिश शिंदे गुट की तरफ से की जा रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, जो कि मिलना भी चाहिए। भाई एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ आए तभी तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। अब ऐसे में शिंदे गुट के विधायकों को जगह ही नहीं मिल पाएगी तो कैसे शिंदे गुट के विधायक जो है फिर वो खुद को एडजस्ट करेंगे सरकार में? तो यहाँ पर सरकार जो है वो अभी असमंजस की स्थिति में है। मोदी सरकार असमंजस की स्थिति में है, बीजेपी आलाकमान असमंजस की स्थिति में, इसीलिए बैठकों का दौर जारी है, इसलिए बैठक होती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम चीज़ों को ये समझ रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के हालात बने, क्या ये नहीं बताता, क्या ये नहीं दर्शाता कि वाकई बहुत बड़ा पेच अब फंसने वाला है? क्योंकि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिंदे गुट के विधायकों का प्रस्ताव और बीजेपी का ये कहना कि अभी मीटिंग होगी उसके बाद तय किया जाएगा, अगर पेच फंसता है तो क्या शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी देखने को मिल सकती है? और शिंदे गुट के विधायकों की अगर नाराजगी सामने आती है तो इसका कितना बड़ा जो फर्क है वो पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, बीजेपी पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।